रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ सैयद बासत अली और मेरे साथ मौजूद हैं आबद अली, मोटरवे केस में आप सब जानते हैं उनके वालदेन। एक तरफ वालद साहब बैठे हैं, एक तरफ वालदा बैठी हैं। इनसे जानते हैं कि सारा वाकया आबद को कैसे पकड़ा गया और सारा वाकया क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। सर आसफ जेड़ा है, आबद जेड़ा जनाब, और रात दे 3:30 बजे मुझे फ़ोन किया है। जेड़ा मोबाइल मेरा पुलिस के हिरासत में था, पुलिस वाले बंदे ने मुझे फ़ोन करवाया। उत्थे मैं उसकी मिन्नत की है, मैं बेटा सारी बिरादरी जी थाने पुलिस ने मारी है, तो खुदा का नाम ही तू आ जा। वो गल्ला करदा करदा जनाब वो जो कहता अबू जी जो मेरा मोबाइल है ये बैलेंस मुक गया, बैलेंस पवा के मैं कित गल करांगा। अगू दूसरे दिन रात को 6:30 बजे पुलिस जी मकान से साइड पर बैठी है, दूसरी तरफ मेरी दीवार है, मकान है, वो मतलब चढ़ते पासे कंड है, उन्हें मैं इतने बैठा, मैं अपना हुक्का पीती जाना, तो उन्हें मैंने आवाज़ मारी अबू जी, मैं वो को चला गया। मैं क्या तू हूँ इतने खलो जा, पुलिस बैठी है, हूँ मैं तेन किसी हिसाब ना पेश करा। पुत्र मेरे ने यह गल आखी है भी पुलिस जी मैं फैर मारना चाहती है। मैं क्या मैं इंशाल्लाह तेन फैर नहीं मारन दागा, मैं एक दो बंद गल कराँगा और तो बाद तेन फिर मैं पेश करा। उस तो बाद जनाब मैं उन्होंने कपड़े दिते ने, मैं तू इन चेंज कर लै, उन्हें उपर वाली चादर मैं सर्दी लगती, मैं भी तेन मैं देना। उसने मजीद तसली दे के तसली उन्होंने हो गई भी मेरा प्यो मेरे नाल साथी है, ठीक है। उन्होंने जनाब मैं फिर बाद च सोचा मैं मरीज आदमी हाँ, तो जे मैं उन्होंने जफ्फा पाया तो हाल हल करा तो मेरे को तो छुड़ जाएगा, ठीक है। पुलिस जी आराम ना अपने कन्ना च टूटियां ला के मेरे दरवाजे के सामने बैठे ने, तो मैं पुलिस ने तो जल्दी सुन ली नहीं मेरी आवाज़। मैं जनाब पुलिस नाल इशारा करके पुलिस नाल लैके आबद नाल मैं टुरया गया, तो जाकर आबद जो मकान के पिछे बैठा से टोल आ के मैं जाना आबद को जफ्फा लगा दी। अच्छा जफ्फा लगा दिया, उन्हें फौरी कोशिश की मारन दे, मैं उन्होंने मारन की कोशिश की सिपाही ने जना फौरी तौर बट खालत कुदरत आ गया गड्डी लैके, असी मतलब बच्चे अंदर लैंदा, उन्हें कहा मैनू रोटी दियो, मैं 4-5 दिन का भुखा, मैनू मैं पानी पिया, उन्होंने पानी पियाया, रोटी अगे रखी, तो खालस बट आ गया। खालस बट ने आख्या रोटी मेरे जुम्मे आई, उन्होंने रोटी मैं खिलावगा। मां रोंदी मेरे पुत्र रोटी खा लैन दो। और तो बाद जनाब वो लै गए वो मार्टल टाउन CM खालस बट उ छोड़ आया। मैं जनाब अपनी सियास ने अपने बच्चे ने मैं खुद आप फड़ाया, मैं अपनी अकलबंदी नाल फड़ाया, पुत्र मेरा मेरे ते तमाद करके मेरे को आ गया जनाब। इस बाद जो मेरा खानदान है सारा जनाब पुलसा मेरिया नूहं मेरिया पुत्र सारे फोटो वास्ते लैके लाहौर का सारे थाने दे जनाब डके ने। जनाब मेरी रिक्वेस्ट है खुदा दे नाम ते मेरी रिक्वेस्ट है मेरे जो बच्चे ने वो छड़े जा। चलो तुहाडी रिक्वेस्ट इंशाल्लाह सुनी जाएगी, जिहड़ा कसूरवार है उन्होंने इंशाल्लाह सजाओ, बाकी जिहड़ा कसूरवार है आप ने जो गुनाह किया है वो जो अदालत उन्होंने सजा दे वो अपनी कबूल करे, वो मैंने कोई तरह बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और बाकी इंशाल्लाह जो तुहाडे खानदान के लोग हैं उन्होंने अस भी रिक्वेस्ट कर देंगे उन्होंने छड़ देना, अगर बेकसूर हैं तो उन्होंने जरूर छड़ना चाहिए। तो तुम ये दसो कि आबद अली कोई पैगाम देना चाहो इस टाइम, कोई ये पैगाम कोई हो जी वाल माँ जी सर असी पैगाम किवें दे सकने आबद अली को, आओ गुनाहगार है सानू कौन बंदा पैगाम देना चाहता है, इसे भी गरीब आदमी है सारे साडे को ते सादा येला बाद से सानू जो हो गई है सारे बच्चे जड़े वे जेल से छोड़ जान नू है छोड़ दे मेरी पोतनी छोड़ दे मेरे पने में तो चार ने पने में एक दो पुत्री ये भी है ना सब सारे बच्चे घर आ जाए सानू और कुछ नहीं आपस जिथे जाता जाए आप ही अपनी सजा भोग के आ जाएगा जो अदालत उन्होंने सजा देवे वो कबूल करे। चले जी और जनाब अगर मैनू कोई कोई ऐसा बंदा लादा को आबद को पैगाम देने के लिए कोई है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है भी मेरे पुत्र ने यह गल की जाए भी तेन फैर नहीं मार दे जनाब जो अदालत तेन फैसला दे तो अपना सेट कर ठीक है।
ठीक है जी, और कोई गल करनी? नहीं जी। चलें जी, ये थे आबद अली के वालिद साहब और साथ में वालदा, और ये परेशान है बाकी घर वालों के लिए, और कि बाकी घर वालों को जो है वो छोड़ दिया जाए, जो बाकी घर के अंदर दाखिल है। और नहीं, अभी मैं उनका लेता हूँ, अलग से ले लेता हूँ। और ये देखें आप, अच्छा ये बताएं कि कपड़े यहाँ पे चेंज किए थे इसी घर में? अंदर करे बाट के सामने चेंज किए। अच्छा, बाट के सामने चेंज किए। ये जो कपड़े आबद अली चेंज करके गए, और ये घर में ये आप देख सकते हैं, इसके तो चेंज किए जी, अंदर किए। आए बताएं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे चेंज किए। अंदर कोई है तो नहीं फीमेल? बस फिर रहने दो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, साइड पे हो जाए थोड़ा, साइड पे हो जाए थोड़ा। ये जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घर है और घर है और मैं जी सुन रहे। ये मैं बैठा जी, ऐस जगह पर मैं बैठा, ठीक है। ऐस तरफ मेरा बेटा आबद बैठा, ठीक है। ऐस सामना मांझी पर खालद भट्ट बैठा, इतने पुलिस खलोती है, मैं जगह जी मांझी मैं भट्ट की खलोती है। आबद अली ने कपड़े चेंज किए, नए कपड़े पहने, और ऊपर कपड़ा भी रखा जो इस तरह का कपड़ा रखा। और ये देखें आबद अली के जो कपड़े हैं, ये बता रहे हैं कि इसने एक महीना कितनी मेहनत से या जैसे भी रहा है। और ये देखें कपड़े फटे भी हुए हैं जी, फटे और गंदे भी हैं, मतलब एक महीने से यही देखो ना सारा, ये देखो ना, ये दोस्तों यहाँ देखो कपड़े, ये कुछ छलांगे छलांगे जंगलों में, जंगल नरमे में, जंगल में रहे, किसी कमाल में रहे, किसी ज्वार में रहे, बड़ी बड़ी ज्वार आप देख सकते हैं, देख सकते हैं किधर किधर रहा है। और बाकी इनका मुतालबा यही है कि खैर कपड़े तो मांझी संभाल लें, हर ये खानदान का मुतालबा है कि जो है आबद अली को तो जो सज़ा होनी है, वो जो इसकी सज़ा बनती है वो उसे लाजमी मिले, लेकिन जो बाकी फैमिली उनको छोड़ दें। ये आबद अली का आप देख सकते हैं, ये घर है जहाँ पर ये इनके वालदेन रहते हैं। एक मिनट कैमरा मैन ज़रा इधर लगाइएगा, ये जो घर है ये यहाँ पे आबद अली। अच्छा जी, यहाँ से इंटर कहाँ से हुआ जी? जब आबद अली आया है, अच्छा इस जगह पर खड़ा होकर उन्होंने मुझे आवाज, इस जगह से खड़े होके जी आबद अली ने इनको आवाज दी है जब आया, इन्होंने फिर कहा कि पुलिस अंदर, यही बात है? मैंने कहा पुलिस अंदर है, आप अंदर नहीं आना है, ठीक है, इधर खड़े द्वार में बैठ जा, पुलिस मतलब मकान का हौला है, ते मैं तेनू कपड़े भी देना ते तेनू रोटी भी देना। ते फिर वो इतो ही अंदर आया? नहीं सर, पकड़ के लाया के फिर ऊपर से आया, फिर अंदर लेते उस गेट से आया नाजीन अंदर। ये आप गेट देख सकते हैं, ये जो गेट है यहाँ से फिर उस साइड से फिर के अंदर आया, हाँ जी, और पुलिस यहाँ पे बैठी हुई थी, और जो है तो जी पुलिस साथ ना आया, नाल टुरी गई। अच्छा, नाल टुर के आई, पहले पुलिस बाहर सी? पहले पुलिस बाहर सी, उठे बैठी पकड़े नाल लेके आए जी मां जी, पुलिस दी मदद ली ना मैं, मेरे तो कल तो भज ना जावे, तो मात तो आ गया, फिर मतलब नेरा सी थोड़ा जा, उन पता नहीं लगा वे नाल पुलिस है, ठीक है बाबा जी। ये थी सारी स्टोरी जो आपको मैं एक्सक्लूसिवली दिखा रहा हूँ, जो आबद अली के साथ हुआ है सारा वाकया मैंने आपको बता दिया है। और अभी फ़िलहाल मुझे और बाबा जी को भी इजाज़त दें, और फी अमान अल्लाह, आप सब की अल्लाह जो है वो आपको खैर में रखे। थैंक यू।